पेशेंट की हालत कैसी है? He's stable, doctor. Doctor, I think he's opening his eyes. Excuse me, please. Yeah, please. Hello. Hello. Can you see me? आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए. लाइट की तरफ देखिए. डरिए मत, आप हॉस्पिटल में ही हैं. हम सब डॉक्टर्स हैं, आपके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं. आपके साथ क्या हुआ था कुछ याद है? आपका नाम क्या है? राघव. जरा मिरर देना. ये लीजिए. तुम्हें दिखाई दे रहा है? कैन यू सी? आपको अपना चेहरा दिख रहा है? जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो आप कोमा में थे. आज 2 हफ्तों के बाद आप होश में आए हैं. अब आप ठीक हैं, चिंता की बात नहीं है. ओके, पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2018 बेस्ट सुरक्षा का अवार्ड जीतने वाले मिस्टर माइल वागनम आईपीएस पुलिस डिपार्टमेंट, आपसे चाहेंगे कि आप 2 शब्द कहें. आप सबको नमस्कार. हुसैन बोल्ट के बारे में आप सब जानते हैं. हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं. आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस अवार्ड के लिए हम सब यहाँ आए हैं, यह हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाला है. मैं शुक्रगुजार हूँ कि 28 साल की सेवा के बाद यह पुरस्कार मुझे मिला. पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2018 बेस्ट कॉल टैक्सी सर्विस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले, पहली बार नहीं लगातार 7वीं बार अवार्ड जीतने वाले गरुड़ा कॉल टैक्सी ओनर मिस्टर अलगर को अवार्ड लेने के लिए आज मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ. गरुड़ा कॉल टैक्सी कंपनी को यह अवार्ड 7वीं बार दिया जा रहा है. थैंक यू सो मच. इसी मंच पर अगले साल 8वीं बार भी हमें याद रखिएगा. हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, इसके लिए आप सबका प्यार जरूरी है. इससे भी बेहतर सेवा आपको दे पाए, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू सर. आने वाले कई सालों तक ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी. अगला अवार्ड है इस साल के बेस्ट राइटर के लिए और बेस्ट राइटर का अवार्ड जीतने वाले हैं मिस्टर महेंद्रन. नमस्ते सर. विनायक मेरा नाम है, गो कैब का सीईओ. मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. आपकी वजह से ही मैं इस बिजनेस में आया हूँ. मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है सर, कि अगले साल इस अवार्ड को आपके हाथों से मैं लूँ, और मैं जरूर लूंगा. बस आपका आशीर्वाद चाहिए. गुड. पुरुषोत्तम. बोलिए मामा. अगर तुम होटल शुरू करते तो पहला कौन सा काम शुरू करते? जाहिर सी बात है, गल्ले पे बैठूंगा. होटल तो मेरा ही होगा ना. पहले बाथरूम साफ करना सीख लो, क्योंकि आने वाला पहले वहीं जाएगा. आपने बोला है तो सही होगा. मैंने बोला इसलिए सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही. आज हमारे मुकाबले में 2 टैक्सी लेकर के जो वो खुद को सीईओ बोल रहा है, वो दरअसल हमारे धंधे को देखकर इस धंधे में आया है. कह रहा था अगले साल इस अवार्ड को वो हासिल करेगा. ये हमारे लिए गर्व की बात है ना? आप जो बोल रहे हैं वो सही है या आप बोल रहे हैं वही सही है? वो जो कह रहा था वो सही है. 35 सालों में मैं इस धंधे में मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं. 2 दिनों में वो मेरी जगह पर पहुंचना चाहता है, इसका मतलब मुझ में कोई कमी है. कमी दूर करनी हो. सर, ओके सर, ठीक ऐसे ही करूंगा सर. क्यों जी, कुछ स्मेल आ रही है ना?
तुमने ड्रिंक कर रखी है क्या? ड्राइवर, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। गाड़ी रोक, मैंने कहा ना गाड़ी रोक दे। गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोको। कहा ना गाड़ी रोक। फोन करो जी पुलिस को, मुझे डर लग रहा है। हेलो हेलो, पुलिस को फोन करो ना। लग नहीं रहा। रोको। अरे कैसी गाड़ी चला रहा है, रोक दे क्यों नहीं? रोक दे क्यों? अरे रोक, रोको। कहा ना रोकने के लिए? रोक। पापा मैं भी आपके साथ चलूं? जिद कर रही है तो ले जाइए ना जी। अरे नहीं पापा, यूं गए और यूं आए, ठीक है ना बेटा? ओके okay? मेरी प्यारी बच्ची। लो बेटा, लो बेटा, खा लो, चलो पापा आ जाए। अरे देखो 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 क्या हो गया। अरे देखो भगवान, ये क्या हो गया? आप ठीक हो? अरे भगवान, कोई हॉस्पिटल ले जाओ इन्हें। सर मैं ACP द्वारका बोल रही हूँ, ड्राइवर फरार हो गया है। ट्रैवल करने वाले कपल की एज लगभग 50 से 52 की होगी। बोलिए मिस्टर नागराजन। हमारी कंपनी एक जिम्मेदार कंपनी है, तभी तो ऐसे ड्राइवर रखे हैं आपने। ऐसी बात नहीं है, किसी को भी अपॉइंट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं। नाम, गांव, माँ बाप, बीवी कौन है, बच्चे कितने हैं, राशन कार्ड और रिसेंटली आया हुआ आधार कार्ड, यही डिटेल्स है ना आपके पास? शाम को न्यूज चैनल के डिबेट्स में इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी कंपनी की तारीफ करेंगे। मैडम, भले ही मेरी उम्र 55 साल है लेकिन मेरा CEO नौजवान है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं हम। तरक्की बहुत मुश्किल से मिलती है, खबर के मीडिया में आने से नुकसान होगा। आजकल शहर में रोड एक्सीडेंट की घटना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेन फ्लाईओवर के पास बहुत तेजी से आ रही गो कैब की टैक्सी ने रोड क्रॉस करते हुए एक ये सब क्या हो रहा है नागराजन? उस आदमी का मीडिया की वजह से जा रहा है। उस आदमी अपनी कंपनी का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। उस SP से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद भी उसने वो कानून के तहत जो भी एक्शन लेना चाहते हैं लेने दो। ड्राइवर नशे में था, तुम फिर से सारे ड्राइवर्स की ID चेक करो। नेक्स्ट टाइम कोई भी ड्राइवर नशे में ड्राइव करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी करना है वो करो। मैं ध्यान रखूंगा। डॉक्टर आराम से रोड पे खड़े हो, ट्रैफिक काम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट करो ना। मैं तो इस धूप में टाइम पास के लिए खड़ा हूँ ना, जाओ अपना काम करो। हाँ ठीक है सर। आपकी गाड़ी रेलवे स्टेशन पर बंद पड़ी थी ना? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उस दिन रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। हाँ। और उसके पहले उस नदी के ब्रिज के पास, उसके पहले मामल पे खड़ी थी। ध्यान देना था ना, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब चलते बनो। इंसान है या रोड का CCTV? क्या सर, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दी है, ट्रैफिक पुलिस बन रहा है क्या? अरे नहीं, मैं बहुत टेंशन में खड़ा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना। तुम तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ और गाड़ी हटवाओ वहाँ से जल्दी। सर सर आराम से आराम से, गिर जाओगे। सर पहले आप अपनी गाड़ी साइड कीजिए सर। हाँ स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी हटानी होगी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट होगी तभी तो निकालूंगा, आप बाकी ट्रैफिक को क्यों रोक रहे हैं? आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी सर? करेक्ट क्वेश्चन मिस्टर पुलिसमैन। अब आपको क्या करना है, हल्का सा धक्का मेरी इस गाड़ी को देना है, मगर प्यार से। हाँ जब आप धक्का दोगे गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, मैं स्टार्ट करके निकल जाऊंगा, आप भी धोबी घाट चले जाना। ओके मिस्टर चंद्रमौली, पहुंच गए और पार्किंग की जगह भी मिल गई। सब नोट कर लिया ना? ए वहां देख सर सर सर, ये गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर सकते आप। वो किस लिए? ये VVIP एरिया है सर, आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ये गाड़ी भी VVIP ही है। 1980s में मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, रॉबर्ट डिनीरो, मेरिल स्ट्रिप, ये सब इसी गाड़ी में घूमते थे और इसमें आजकल मैं घूमता हूँ। बकवास बंद कीजिए और कार निकालिए। बकवास कौन कर रहा है, जाकर बताऊंगा ना, तुम सबको मार कर फेंक देगा, पहले से ही अंदर पंच मार रहा होगा। कौन है सर वो? मेरा बेटा।
Congratulations, my boy. आप कब आए? मैं पहले ही आ गया था, बाहर था, अंदर आने में काफी टाइम लग गया, वहाँ ट्रैफिक जाम था ना। ओ पापा, कितनी बार बताऊं, क्यों वो डिब्बा गाड़ी चलाते हो, नई गाड़ी ले लेनी चाहिए ना। Hey, Raghav, you did a great job, man. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा। सर, ये मेरे पापा हैं। हेलो हेलो पापा, ये मिस्टर विनायक हैं, गो कैब्स के सीईओ, प्लस मेरे स्पॉन्सर भी। वंडरफुल, दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यूं तो मेरा सपना भी बॉक्सर बनना था सर। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा का बिजनेस है, उनके खुशी के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया, और राघव जैसो के अचीवमेंट पे बहुत खुशी होती है। That's wonderful. God bless you. Thank you, sir. Start नहीं होगी पापा। बहुत थक गए हो क्या बॉक्सिंग के बाद? डाई क्यों नहीं मारते पापा? इसके बाद कहाँ डाई मारू? बालों के लिए डाई नहीं मारोगे? बालों के लिए नहीं, नहीं। फोन भी नहीं बदलोगे? नहीं बदलूंगा। इस गाड़ी को भी नहीं बदलोगे? कभी नहीं बदलूंगा। ये गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। कैसे? पीछे खड़े होकर जरा प्यार से इसे धक्का देंगे, रर करके शुरू हो जाएगी। कौन? मैं? तुम धक्का नहीं दोगे, मुझे पहले से ही पता था। वहाँ पर बैच लगाकर सफेद कपड़ों में वो जो पांच लोग खड़े हैं, देखे तुमने, व्हाइट टी शर्ट में, उनकी टी शर्ट को काला कर दे क्या बॉयज? बे, ऐसे मायूस क्यों बैठा है? गेट खोल नहीं सकता? हाँ, मुझे तो अब वॉचमैन का ही काम करना बाकी रह गया, करवा ले वो भी। वारी कार और इसका ट्रंक। ओए छोटू मियां, यहाँ आओ। बड़े प्यार से बुला रहे हैं। जल्दी आओ, आ जाओ। हाँ। मच्छर की तरह क्या भिनभिना रहे हो? नहीं कुछ खास नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। अपने आप से नहीं, मुझसे बात करो। अंकल, मैं इस कार का ड्राइवर नहीं हूँ, मैकेनिक हूँ। मैकेनिक नहीं, मक्कार हो तुम। हॉर्न नहीं बज रहा है, जरा देखो। अरे हॉर्न नहीं क्या अंकल, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता होगा। क्या ढूंढ रहे हो? इंजन वहाँ पर नहीं है? अरे इस गाड़ी में कहाँ क्या है, ये तो गाड़ी को भी नहीं पता। भी? सुनिए, बजा रहे वो लोग हॉर्न। हाय डार्लिंग्स। हाय। सभी बच्चे लोग आ गए? आ गए। क्या प्रोग्राम है अंकल? कल आपकी कार और मेरी साइकिल की रेस लगा ले क्या? ओ, अरे बाप रे, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए। थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। अंकल मैं स्लो जाऊंगा तब भी मैं ही जीतूंगा। वो कैसे? क्योंकि आपकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देख, छोटे छोटे बच्चे तेरे बाप का मजाक उड़ा रहे हैं और तेरा बाप खुद को चाचा नेहरू समझ रहा है। ए, हाँ? पापा बच्चों के साथ मिलकर बच्चा बन जाते हैं। क्या रे, वो बच्चा नहीं बन रहे, बच्चों का खेल बन रहा है। तू भी बिल्कुल बाप पे गया यार। ए, पापा इस एरिया में कितने पॉपुलर हैं तुझे पता है? अबे तेरे पापा इस एरिया में पॉपुलर नहीं है, उनकी गाड़ी पॉपुलर है जो पॉल्यूशन फैलाती है। ए, पापा के बारे में जानता नहीं तो बात मत कर। अबे तेरे पापा चंद्रमौली है, राजा मौली नहीं है, समझा? मिस्टर बाहुबली, आप शायद भूल रहे हैं कि जल्दी जल्दी में आप इस गाड़ी की डिक्की में ही पैदा हुए थे। हाँ, मालूम है, इसीलिए मेरा नाम पद्मिनी रख दिया। अगर सनी में पैदा होता तो पता नहीं मेरा नाम क्या रखा होता। हाँ सनी होता। एक बात बता, तेरे घर में ये फैन ज्यादा तेज बजता है या रेडियो? ए, अच्छे से तो घूम रहा है, देख कैसे हवा दे रहा है। ये घूम के हवा नहीं दे रहा, बाहर की हवा से ये घूम रहा है भाई। इसको अगर हटा देगा तो खिड़की से ज्यादा हवा आएगी। क्या यार, पूरे घर को भंगार बना रखा है। अच्छा है कोई गाने की किताब नहीं है। तो फिर ये क्या है? भाई कैलेंडर तो बदलते हो ना, या हर साल एक ही को यूज करते हो? पद्मिनी, ओल्ड इज गोल्ड। अरे अंकल, गोल्ड बहुत ओल्ड हो चुका है, आजकल प्लैटिनम डायमंड चलता है। अच्छा, प्लैटिनम डायमंड नए आए हैं, ऐसा बोलने वाला ये पहला इंसान है। तेरा ये दोस्त नहीं बैठ सकता। सुन, ओल्ड इज गोल्ड बोल के तेरा बाप ना किसी बुढ़िया से तेरी शादी करवाएगा। फर्स्ट नाइट तो कब्रिस्तान में मनाने वाला है। तू चुप कर यार, देखना यही होगा। वो तेरे लिए ही पद्मिनी। राघव, तुझे डोसा चाहिए या इडली चाहिए? मुझे एक नई कार चाहिए पापा, सब आपका मजाक उड़ाते हैं सब लोग। ए, कौन अंकल का मजाक उड़ा रहा है? पापा, कल हम कार के शोरूम में जाने वाले हैं। फिर से ले लेंगे, देखना ले लेंगे। कहाँ ना सो जाएंगे, इस बार जरूर ले लेंगे। सर, जब आपने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को छुआ था वैसी फीलिंग आ रही है ना? नहीं। वो देख, पार्टी जाने से पहले जैसे शक्ल बनाता ना तेरा बाप, एग्जैक्टली वैसे ही शक्ल बना रहा है अभी। देख, ए, तू चुप कर, मैं जानता हूँ इस बार पक्का कार खरीदेंगे। हर हफ्ते अपनी इज्जत का जनाजा निकलता है। देख, आ गया निकालने के लिए। सर,
ये कार आप खरीदेंगे तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा पता है? पूरे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए? इस कार को बेच के तुझे 4,000 रुपए मिल रहा है? 20 साल से मैं इस कार की सेवा कर रहा हूँ, मुझे घंटा दिया तुम लोगों ने। खाना तो मिल रहा है ना? ए, तुम्हें दो पैसे की अकल है या नहीं? पिछले 4 महीनों से कार देखने के लिए आ रहे हो, चाय कॉफी का हिसाब किया जाए तो 5,000 से ज्यादा होगा जीएसटी के बिना। सर आप चिंता मत कीजिए, आज तो फाइनली खरीद ही लेंगे। इतने दिनों में तो बाहुबली जैसी फिल्म बन जाती यार, और तुम लोग एक कार तक फाइनल नहीं कर पा रहे हो। हे भगवान, आज ये कार फाइनल हो जाए तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। देखा रहा है तेरा बाप, गाड़ी ना खरीदने के 25 बहाने बताएगा। एक तो चुप कर, कार खरीदवा दे 8,000 रुपए कमीशन दूंगा। सर, दिस इज इंडियाज फास्टेस्ट मूविंग मॉडल सर। लेकिन इनके चलाते ही स्लोएस्ट मूविंग हो जाएगा। सर, इस कार ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। अगर आज ये डील फाइनल होती है तो 25 समोसा फ्री देंगे सर। खुशी में रिश्तेदारों को समोसा बांट दीजिएगा सर, प्लीज सर। हम पिछली बार आए तब कोई दूसरा मॉडल था। अभी वो मॉडल होता तो खरीद ही लेते। मिस्टर पार्था, ये कार देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर बैठते ही थोड़ा सा। कैसी बात कर रहे हैं सर, अंदर बहुत जगह है। अपना गणेश आचार्य भी इसके अंदर समा जाएगा। अच्छा? वो जो ऐसे नाचता है। पापा सीट ठीक नहीं है तो चेंज करवा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, जब मैंने उस स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, पड़ गया क्या? नहीं, वो ऊपर नीचे हो रहा था। सर ऊपर नीचे का क्या मतलब, वो कोई संदिली होनी है? स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, आपका हाथ हिल रहा है, उम्र हो गई आपकी। ए, इनके बीपी शुगर चेक करवाओ यार। अभी जाके करा क्या? चुप कर यार, किसी भी तरह कन्विंस कर दे यार। मिस्टर पार्था, ये गाड़ी है तो अच्छी, लेकिन इसमें बैठने पर वो पद्मिनी वाली फीलिंग नहीं आ रही है यार। सर मुझे भी एक जबरदस्त फीलिंग आ रही है कि इस जन्म में आप कार नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। पुराने जमाने की साइकिल में मोटर फिट करके मेटल बॉडी में 4 टायर फिट करके चला रहे हो, उसे कब रिटायर करोगे यार? एक मिनट रुकिए, बाहर वो जो ग्रीन कलर की गाड़ी खड़ी है वो बहुत अच्छी है, हम उसी में चलते हैं। देखो राघव, किसी दिन तुम्हारी कमाई से बिना इंस्टॉलमेंट बिना लोन के झंझट में पड़े हैं इस कार में। हमारी कार में सब कुछ है, स्टीयरिंग व्हील है, नजर न लगे इसलिए काला धुआं भी निकलता है। कॉमेडी मत कीजिए पापा, मैं जब भी पूछता हूँ आप कोई कारण बताते ही नहीं हो। नई कार खरीद लो ना। ओके बेटा, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस गाड़ी से तुम्हारी माँ को बहुत प्यार था। सेंटीमेंट दिखा रहे हो राघव। जब हम पहली बार इसे खरीदने गए, मुझे ये पसंद नहीं आई थी, इसका कलर भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ को ये पसंद आई। पता है इसे खरीदते समय तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा कि इस गाड़ी को हमेशा अपने साथ ही रखना। आज वो तो नहीं, पर गाड़ी मेरे साथ है और हमेशा है। अब तुम्हें समझ में आया? एक मिनट, मोबाइल बज रहा है, देखता हूँ किसका कॉल है। ओ रामू, हेलो। हेलो, अरे अरे अरे, हेलो। एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा, स्पीकर पे डालता हूँ, रुको। हाँ बोलो। कितनी बार कहा है तुझसे, अपना फोन बदल दे, नहीं तो किसी दूसरे के फोन से मुझसे बात किया कर। चल अभी फोन रख। अरे अरे रुको, ये क्या, फोन रख दिया। पापा, इस फोन का भी कोई सेंटीमेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, फाइनली नया फोन। पापा, हाँ। राम अंकल ने आपका कितना मजाक उड़ाया। बहुत। उनको फोन करके आप एक सीन बनाइए। कैसे बनाऊं, मुझे ये चलाना नहीं आता। ए, लाउड स्पीकर पे डाल। करेक्ट। हाँ। ए, तेरे पास वीडियो कॉल है? ट्विटर भी पूछिए। क्या कर रहा है यार, पहले फोन तो उठाने दे। तुझे भी नहीं आता? ए, कितनी बार तुझसे कह चुका हूँ, इस फोन से मुझे सुनाई नहीं देता, फोन रख। ए रामू चुप कर, मुझे सब साफ सुनाई दे रहा है। अब तू बता, तेरे पास वीडियो कॉल है क्या? इंस्टाग्राम है क्या? इंस्टाग्राम है क्या? कड़क वीडियो। कड़क वीडियो है क्या? ये क्या बुलवा रहे हो मुझसे, दोस्ती खत्म हो जाएगी। मैं समझ गया कि ये फोन तेरे बेटे ने दिया है, अब तू एक काम कर, उसी से कहकर एक नई कार खरीदवा ले, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा। अरे बाप रे, लगता है किसी की डिक्की आउट हो गई। कुछ नहीं हुआ, अपनी डिक्की सलामत है, शुक्र है। मैडम ये आपकी है? इसकी पीछे वाली आंख तो हमेशा के लिए बंद हो गई। रुक जा, तुझे अभी बताती हूं। See what I do to you. क्या करेंगी आप? क्या करेंगी? ये क्या कर रही हैं? अपना नाम बताओ, अपनी डिटेल्स बताओ, अभी फेसबुक और ट्विटर पर तुम्हारा पूरा वीडियो डालती हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर ये तो सब वायरल हो जाएगा। तो चलिए लाइसेंस दीजिए। तुम क्या बड़ी लॉयर हो? मैं लॉयर नहीं हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े लॉयर हैं। पापा लॉयर हैं? ठीक है, ओके। एक छोटी सी गलती हो गई और गाड़ी ठुक गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्या वेरी गुड। और अब विद इन 2 आवर्स आप मेरी गाड़ी ठीक करवा कर ऑफिस पर भिजवाएंगे। ये है ऑफिस का एड्रेस। मुझे नहीं चाहिए। 2 आवर्स, ओके। ए, तू लड़की है या रॉडी? ये मेरी गाड़ी है, तुझसे स्टार्ट नहीं होगी। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गई। मेरी पद्मिनी, धोखेबाज। किसको बोला? तुमको नहीं, मैंने अपनी पद्मिनी को कहा। जाओ ना, गाड़ी ठीक करवाओ। तुम मेरी गाड़ी ले जाओगी, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर कहाँ जाऊँ?
मैकेनिक के पास। टू आवर्स देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हाँ ठीक है। ए, ये सेल्फी ले रही है, यहाँ आ जाना, इस तरफ यहाँ आ जाना, तो फ्रेम में नहीं है, यहाँ पर आ। पहली बार किसी खटारा के साथ सेल्फी लेते हुए देख रहा हूँ। बात मानिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अरे जा रहे हैं यार। सर मेरी बात मानिए सर, दोनों देख लेंगे। नहीं जा सकते। हेलो एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है? मधु तू ही है क्या? तेरे बाप ने कहा था सुंदर होगी या नहीं है? अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तक हम 42 एप्लीकेशंस डेवलप कर चुके हैं और लगभग सब में ही हमें सक्सेस मिली है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो अलग होना चाहिए, है ना? तो अब जो ऐप हम डेवलप करेंगे उसका। हेलो, यहाँ पर मधु कौन है? मधु तू ही है क्या? तू मधु है क्या? ए, उसका नाम सुरेश है, मैं जानता हूँ। तू मधु है? नहीं। आपका नाम मधु है? नहीं। चलिए नंबर दे। ट्रू कॉलर में चेक कर लूंगा यार। ट्रू कॉलर? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? बिना परमिशन के ऐसे अंदर कैसे घुस गए? चलिए बाहर चलिए। कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आपकी बाइक रेडी हो चुकी है। What? वो आज मिस्टर चंद्रमौली ने कार से आपकी बाइक को ठोका था, डिक्की भी टूट गई थी। हाँ तो फिर? नहीं, मैं राघव हूँ, चंद्रमौली जी का बेटा। मेरे पापा ने जो किया वेरी बैड, हाँ वर्स्ट बिहेवियर। ऐसा भी कोई करता है क्या? ठीक है, चाबी दो। चाबी? एक्चुअली आपका चेन पॉकेट और बैक ब्रेकर टूटा हुआ है, मैकेनिक ने बोला है। सो चाबी भी मैंने उसी को दे दी है। उसे जब वो रेडी करेगा तो तुरंत अपने हाथों से मैं आपके हाथ में दे दूंगा। सही बोला ना? सुनिए, सिर्फ टेल एंड टूटा हुआ था, आप बाकी क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज आई लव यू। व्हाट? या मजाक सोच रहे? दिमाग नहीं है? एक थप्पड़ मारूंगी ना सारी अकल ठिकाने आएगी। तुम जैसे आवारों को बहुत अच्छे से जानती हो, लड़की देखने की लार टपकाने लगते हो। ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी ना। तो साहबजादे लड़की को डोज देने गए थे लेकिन खुद डोज लेकर आए हैं। नहीं, देखिए आज डोज देते था तो आज ही खत्म हो गया होता। शादी करके घर पे लेके आ जाएंगे तो डोज देते रहेंगे पापा। सर यहाँ गाड़ी में खड़ी कीजिए सर। ये बातें चल रही थी, ये बिना ग्लव्स के पंच मारा करता था। यू नो माय डियर, बचपन में ये राघव बड़ा ही शरारती था। इसकी हरकतों के बारे में क्या बताऊं तुम्हें? दिन तो मेरे पीछे घुमा और उसके बाद गायब हो गया। अगर मुझे भी तुझसे प्यार हो जाता तो छोड़ देता मुझे भी इसी तरह। नहीं वो तो मैं। क्यों? और 10 दिन मेरे पीछे घूम नहीं सकता था? मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करती पूछ नहीं सकता था? झगड़ा करना नहीं आता, रिक्वेस्ट करना नहीं आता, फिर प्यार कैसे करेगा तू? हाँ कहीं पर भी जा, किसी के पास भी जा, लेकिन अगर एक और बार मेरे पास आकर आई लव यू कहा ना, जान से मार दूंगी। दीदी ने जो नेकलेस पहना हुआ था अच्छा था ना?
शादी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी। अरेंजमेंट भी लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ कुछ बोलो भी। पिछले हफ्ते ही तुम्हारे जीएम को वॉर्न किया था, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और कल रात में चार पैसेंजर्स की हत्या कर दी गई और तुम्हारा ड्राइवर जुर्म करके फरार है। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मैडम, जनता की सेवा करने वाली कंपनी जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती? उस कंपनी पर क्या एक्शन ले रहे हैं जनता मुझसे पूछ रही है। अब मैं आपकी कंपनी पे लीगल एक्शन लेने को मजबूर हूँ। इन दोनों घटनाओं में जो दोनों ड्राइवर्स थे उन्होंने रिसेंटली अपनी कंपनी ज्वाइन की थी। इसमें उन ड्राइवर्स की गलती है जिन्होंने उन्हें रेफर किया था, या उस कमेटी की गलती है जिन्होंने इसे रिक्रूट किया। कल सबकी मीटिंग बुलाओ और एक दिन के लिए गो कैब सर्विस को क्लोज कर दो। सर, इससे पहले कि कोर्ट हमेशा के लिए क्लोज करे, उससे अच्छा यही होगा। मेरा नाम कुमार है सर, 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। दारू, सिगरेट ऐसी कोई गलत आदत नहीं है मुझमें। मैं पहले भी 4-5 ट्रैवल कंपनी में गाड़ी चला चुका हूँ। आप चाहे तो उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मेरा नाम सतीश है सर, 3 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है सर। पूरे शहर की पुलिस तुझे ढूंढ रही है, कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में। क्यों? तेरे बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। तेरा परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं सर? गो कैब्स कंपनी को बंद करवाना होगा। और ये काम जल्दी होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। एक आध घटना और घटनी चाहिए। अगला कांड कौन करेगा? ए, तू तैयार है ना इसके लिए? मेरा नाम राघव है, सर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ना। 1 सेकेंड। हेलो सर, मिस्टर राघव आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। हेलो सर, प्लीज कम, आओ। हाय राघव। हेलो सर, बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो बताओ। बेंगलोर में हमारा स्टेट लेवल पर मैच होने वाला है, उसकी स्पॉन्सरशिप के बारे में। देखो, अभी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पता है सर, मैंने भी पेपर में पढ़ा है। आई एम सॉरी राघव। सर, एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, सो यू कैन ट्राई विद समवन एल्स। सॉरी। हेलो यार राघव,
स्पॉन्सरशिप नहीं मिली पापा। ओ विनायक जी ने मना कर दिया। वेल कोई बात नहीं। सुनो बेटा, बॉक्सिंग के फील्ड में नेशनल लेवल पर तुम्हारा नाम है, तुम बहुत टैलेंटेड हो बेटा। ये नहीं तो कोई और स्पॉन्सर मिल जाएगा बेटा। चीयर अप, डोंट वरी बेटा। ओके पापा, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है राघव, सिर्फ चेन्नई है क्या तमिलनाडु में? सिर्फ विनायक ही स्पॉन्सर करता है क्या? हमें कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। मैं कोई क्रिकेटर हूँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन स्पॉन्सर करेंगे? मैं सिर्फ एक बॉक्सर हूँ, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी। मेरी बात सुनो, किसी एक पर डिपेंड होने वाला ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। पेपर लेके जाना। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? मधु तुम कैब बुक करके घर चली जाओ। सुनाई नहीं दिया, जाके ऐसा ही से मिल। अरे सर मिल रहा हूँ ना, मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। मधु मेरा कहना मानो, लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, तो इन सब में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। मधु कैब बुक करके घर चली जाओ, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी का पेपर लेकर जाना, अगर लेट हो जाओगी तो घर से फोन करेंगे। अच्छा ठीक है। या कहाँ है? सॉरी सर, घर पे ही भूल गया। तुम तो सर लाइसेंस नहीं है इसलिए मुझे पकड़ा। तुम राघव हो ना? जी हाँ। ब्रदर मुझे नहीं जानते हो क्या तुम? मैं तुम्हारे पापा के फ्रेंड राममूर्ति का भांजा हूँ। तुम्हारे पापा को मैं जानता हूँ, शंभुनाथ। हाँ सर। अरे इनको जाने दो ना। जी सर। देखो पहचान अपनी जगह है, फाइन भर के चले जाओ। यस सर। रूल्स आर रूल्स। जरूर सर। राघव पापा को नमस्ते बोलना। जरूर बोलूंगा। हाँ ओके। Hey baby. मधु कहाँ हूँ अभी? नहीं अभी रास्ते में ही। हाँ लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर? हेलो हेलो, ब्रिज की तरफ से क्यों जा रहे हो? नीचे की रोड ठीक नहीं है मैडम। ठीक है, मैं घर पहुँच के कॉल करती हूँ। ठीक है। बाहर आओ। क्या हुआ? आओ। What? बैठो। मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? चलो गर्मा गर्म डोसा खा लो बेटा। हे, किस सोच में पड़े हो? थाली में सब वैसे क्या वैसा है, अभी तक कुछ खाया ही नहीं। इस ठंडे डोसे को रहने दो, ये गरम डोसा लाया हूँ तुम्हारे लिए, इसे खाओ। भूख नहीं है पापा। भूख नहीं? कैसे भूख नहीं यंग मैन? ओ यस, यू आर अपसेट, स्पॉन्सर नहीं मिला इसलिए ना, करेक्ट? डोंट वरी माय बॉय, मेरे पास चराग का जिन है, ये लो। ये क्या है पापा? विजिटिंग कार्ड है, डोसा समझकर खा मत लेना। पापा गरुड़ा कॉल टैक्सी कंपनी के MD का विजिटिंग कार्ड है, कल सुबह 10 बजे तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है, एक बार मिल लो, पता नहीं चमत्कार हो जाए, हो सकता है स्पॉन्सरशिप मिल जाए। वेस्ट ऑफ टाइम। बोलना मत, कल सुबह 10 बजे जाओ और मिलो। आपको भला मैं क्यों स्पॉन्सर करूं? आपको फेवर करने से मुझे क्या फायदा होगा? बताइए सर, मैं यहाँ आपका फेवर नहीं ढूंढने आया हूँ। नॉर्मली आप जीते हुए घोड़े पर ही बेट लगाते हैं, लेकिन क्या एक बार जीतने वाले घोड़े पर आप बेट लगाना चाहेंगे? तो तुम्हें लगता है मैं रिस्क लेने से डर रहा हूं क्या? सर अगर आप डरने वाले इंसान होते तो आज इस सीट पर बैठे नहीं होते। मिले हुए चांस को इस्तेमाल करके ही आप इस जगह पर आए हैं सर। उसी तरह अगर आप मुझे भी एक चांस देंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा सर, यकीन से कह रहा हूं। नाम क्या बताया अपना?
राघव सर, यही एटीट्यूड टूर्नामेंट में भी तुम्हें दिखाना होगा, ओके? सर, थैंक यू सर। एस, दिमाग खराब है क्या? ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी उठकर उन्हें पंच मार दोगे। ऐसे झगड़ा करके बात करने की क्या जरूरत थी? जानती नहीं हूँ, मैं एक बॉक्सर हूँ, झगड़ा करना तो मेरी फितरत है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अब जल्दी से पापा को फोन करो, वो बहुत खुश होंगे। घर चलकर ही बताएंगे। आओ। सुना, बता देना था ना। hey, कुछ बोलना मत, इट्स ओके, चेहरा उदास ही रखना। मेरा चेहरा ओके है ना? उदास लग रहा हूँ? क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? कौन चाहिए तुम दोनों को? ओ, मिस्टर चंद्रमौली, वो इस समय घर पर नहीं है। मैं उनका यंगर कजिन ब्रदर मंत्रमौली। आई नो बोथ ऑफ यू। तुम हो हैंडसम यंग मैन, उनके सन राघव, एंड यू दैट ब्यूटीफुल यंग गर्ल हु इज गोइंग टू मैरी हिम, राइट? और मुझे पता है तुम्हें स्पॉन्सर मिल गया है, चलो पार्टी करते हैं। अंकल। बोलो बेटा। गाड़ी क्यों रोकती? दरवाजा नहीं खुलेगा। छोड़ो मुझे। अंदर। छोड़ो ना। जाने दो मुझे। अंदर। छोड़ो। इसके नहीं जा सकती तू। है? छोड़ो ना। अंदर। है? छोड़ो मुझे। तेरे को समझ में आता क्या? है? छोड़ो शांत रह। चुप। Please। ऊपर चल अपना। Please मुझे छोड़ दो। समझी क्या? Please। 10 दिन में मेरी शादी होने वाली है। मुझे छोड़ दो। Please। बंद कर अपना। जाने दो मुझे। Please छोड़ दो मुझे। हाँ बोल रहे भाई, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। अब इस लड़की और कार को छोड़कर भाग जाऊं क्या? अब तो अरेस्ट हो जा भाई। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। पहले उस लड़की का काम तमाम कर दे। ठीक है भाई। वो लड़की रोज की तरह अपने ऑफिस से घर जाने के लिए गो कैब्स में ट्रैवल कर रही थी। ड्राइवर ने अचानक एक जगह पे गाड़ी रोकी तो उसने पूछा क्या हुआ? हेलो हेलो, ब्रिज की तरफ से क्यों जा रहे हो? बिना कोई जवाब दिए ड्राइवर लड़की के साथ मिसबिहेव करने लगा। इस बिल्डिंग के नाइट सिक्योरिटी वाले ने इन्फॉर्मेशन दी और हम यहाँ पर आ गए। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लड़की को नहीं बचा पाए। लगातार गो कैब्स की गाड़ियों में हो रहे अपराधों की वजह से शहर के लोगों में डर बैठ गया है। लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम प्रोटेक्शन देने के लिए बाध्य हैं। गो कैब्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है मैडम? हमने 45 डेज का नोटिस इशू किया है, उसे जारी रखना है या बंद करना है कोर्ट ही डिसाइड करेगा। सुना है आप लोग कंपनी के सीईओ को अरेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये सच है मैडम? वेट एंड सी। मैं चलता हूँ पापा। ओके। खाना खाने के लिए पास वाले ढाबे पर जाना, ओवरनाइट जागना, ज्यादा टेंशन लेना, मेडिसिन ना लेना, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके पापा। सर, यस सर। आपकी हेल्थ आपको ही संभालनी है। डेफिनेटली। ओके पापा। ऑल द बेस्ट माय सन, ऑल द बेस्ट। विन, ओके? मधु। तो मैं चलूं? आने में मुझे लगभग 10 दिन लगेंगे। सारी मोहब्बत की बातें जल्दी कर ले, नहीं तो तू लेट हो जाएगा। चुप कर यार। सुबह
बिना भूले ब्रेकफास्ट कर लेना, दोपहर में लंच कर लेना, रात में डिनर कर लेना। अरे इतने साल तक तो इसने कुछ खाया ही नहीं, अब तो निकाल। छुपना, मैं स्टेशन छोड़ने आऊं या नहीं? आप अभी निकलिए, लौटते वक्त इसको लेते आइएगा। तो फिर चलो तुम्हें घर पे छोड़ दूं। अंकल मुझे आज ही पहुंचना है। अरे हाँ, ये भी सही है। अब आपको तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा। अब मधु पापा का ख्याल रखना। ठीक है सब, बाय 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 बाय। इन दोनों को क्या पता अपनी पद्मिनी के बारे में, ये कितना घूमी है पता है। वेरी गुड, अब मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं राघव, एक बात याद रखना, आज से सातवें दिन तुम ही चैंपियन बनोगे, समझे? डन कोच। डिनर तुम्हारे रूम पे ही आ जाएगा, सिर्फ सलाद, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके कोच। Thanks. पसंद आया? बहुत। तेरे हर एक पंच से ये पता चलना चाहिए कि तू कौन है। अरे कैसी गर्लफ्रेंड हो तुम? क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड यूजुअली झगड़ा मत करो ऐसी बोलती रहती है, और तुम कहती हो कि झगड़ा करो। हाँ मुझे तो झगड़ा पसंद है, गले लग कर, लिपट कर। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें मैं। तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। तू मुझे साथ लेकर ही नहीं गया। हो, बुलाया होता तो आ गई होती। बोला तो होता। हाँ? सब कुछ एक लड़की नहीं कर सकती। तुम कब आगे बढ़ोगे? हाँ? ठीक है, अभी बुला रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है, दरवाजा खोल। अच्छा, हाँ? दरवाजा खोल। मैं तो उससे तो पहले ही पहुंच गई थी। अच्छा ठीक है, एक और सरप्राइज है। क्या? ये क्या? तो ये है मेरा कमरा। ओहो, तुम्हारा? शैतान, सच में लड़कियां लड़कों से बहुत ज्यादा तेज होती हैं। अच्छा, अब झगड़ा करें क्या? झगड़ा? किस तरह का झगड़ा चाहती हो? गिर के करना है या लिपट के? या गले लगकर? कोच ने देखा ना तो दोनों को मार देंगे। तो सही में मेरा ध्यान भटका रही हो। कोच, ये गेट आउट। घर पर ही हो ना? यस। जो हुआ वो सब अपने बेटे को बताया? राघव के पास आज ही मैं। चंद्रमौली, हेलो, क्या हुआ? हाँ एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ठीक है। हे तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम दोनों तो क्या, ये कैसा सरप्राइज है? पापा, डबल सरप्राइज। हाँ, इससे आप नहीं चौंके होंगे, लेकिन इससे जरूर चौंक गए होंगे, है ना? अपनी कार, मेरी मेहनत का तोहफा, किसी से उधार नहीं लिया, मैंने बैंक लोन नहीं लिया, किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। बैंगलोर में मधु ने मुझे ग्लव्स गिफ्ट किए थे पापा, और उन ग्लव्स की वजह से ही मैं ये टूर्नामेंट जीत पाया, और उस बदौलत ये खूबसूरत कार मुझे गिफ्ट में मिल गई। यू नो व्हाट, तभी मैंने सोचा कि पूरी लाइफ वही ग्लव्स पहनकर फाइट करूंगा। ये गाड़ी भी आपके लिए ऐसी ही है ना पापा, माँ की पसंदीदा कार है, इसमें आप उनके साथ जाते थे, आगे भी ये कार इसी घर में खड़ी रहेगी। और सिर्फ खड़ी नहीं रहेगी, एवरी वीकेंड इसी कार में ड्राइव के लिए जाएंगे। या Thank you.
पापा। आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? ड्राइव के लिए चलते हैं। ड्राइव? वो भी इस समय? नई गाड़ी, नाइट ड्राइव। ओके पद्मिनी में आखिरी सांस तक आप उस पद्मिनी को नहीं छोड़ेंगे। वन ड्राइव। तीन बजे पापा और बेटा नाइट ड्राइव। वाह, कुछ तो मिसिंग लग रहा है पापा। आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है, कुछ परेशानी है क्या? नहीं। राघव, मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर शायद डर लगे, बट एज ए डॉक्टर बताना जरूरी है। एक्सीडेंट में ब्रेन और आँख को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। इस कंडीशन को मेडिकली ऑप्टिकल ऑट्रोफिन कहते हैं। अब फ्यूचर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, आई मीन दो फीट से ज़्यादा दूर आप देख नहीं पाएंगे। टेक केयर, आई एम सॉरी। Shall we go? लेजर या किसी और तरीके से क्योर नहीं कर सकते क्या डॉक्टर? नहीं, शायद फ्यूचर में क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट आ सकती है या नहीं भी आ सकती। इसके बाद ये ऐसे ही रहने वाले हैं। हम लोग उससे अभी मिल सकते हैं क्या? ओह यस, जरूर। हाँ?
कौन है? डॉक्टर मैं हूं यार। अरे तू, अरे पापा कैसे हैं? मधु, मधु पापा को क्या हुआ? कोई कुछ बताएगा? पापा को क्या हुआ? मधु, मधु, मधु बोलो मधु। जाने वाले जाते हैं, यादें ही रह जाती हैं, यादें ही तो होती हैं, संग सदा रह जाती हैं, ये यादें ही तो होती हैं, जो संग सदा रह जाते हैं, जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है। इंस्पेक्टर मुकीम हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, इस पर एक साइन करना होगा, एक्सीडेंट केस के लिए जरूरी है। दो दिन पहले भी मैं आया था लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थे। ये एक्सीडेंट एक हादसा था या फिर किसी की साजिश, आपको किसी पर शक है? ओके, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। राघव से साइन ले लिया है सर। उसको मर्डर के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं सर, वो इसे एक्सीडेंट ही समझता है। उसे कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो बताना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आप घर जा सकते हैं, लेकिन रेस्ट की बहुत जरूरत है। ब्लर दिखने वाली चीजों को घूर के मत देखिएगा। नेक्स्ट वीक इन्हें चेकअप के लिए फिर से लाना होगा। राघव चलो बाहर चलते हैं। नहीं चलूंगा। तू 2 फुट से आगे देख नहीं सकता, इसीलिए ना। 2 फुट तो देख सकता है ना। चलो। मेरा मूड ठीक नहीं है मधु। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती राघव। बॉक्सिंग रिंग में तू मार खाकर गिर जाता था लेकिन फिर दोबारा उठकर जी जान से लड़ता था, तो वही राघव है ना। ये लड़ाई भी वही है। बस अब उठ जा, उठ जा। यादें कुछ यादें हैं ऐसे, साथ ना छोड़े कभी। हाथ वही है, हाथ जो ये साथ ना छोड़े कभी। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं, इंसान ही लुट जाता है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा, चीयर अप। Oh,
अब मैं ठीक हूं। तुम और कितने दिन यहां पर रहोगी? जाओ घर जाओ। मैं घर पे बता चुकी हूँ, इट्स ओके। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर, मैं भीष्म नगर सिमेट्री से आ रहा हूँ सर। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। ठीक है, तो चंद्रमौली सर को ही दे सकता हूँ, इससे उनके सिग्नेचर चाहिए। आप उनको बुलाइए सर। अंकल को कैसे बुलाऊं? डेथ सर्टिफिकेट किसका? सर पिछले महीने 19 तारीख को किसी भैरवी की डेथ हुई थी, उन्हीं का सर्टिफिकेट है। भैरवी? नहीं नहीं, हम लोग किसी भैरवी को नहीं जानते। अच्छा सर, चंद्रमौली सर का घर यही है ना? हाँ है। तो उन्हीं को बुलाइए ना सर। देखो भाई, उनको गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। ओ, डेथ हो गई सर। ठीक है सर, तो फिर आप ही साइन करके ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। ए, कहा ना किसी भैरवी को हम नहीं जानते, तो साइन क्यों करूं? सर, केयरटेकर की हैसियत से चंद्रमौली सर ने साइन किया था, आप खुद ही देख लीजिए, ये उन्हीं का साइन है ना सर। मैंने उन्हें बताया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में 10-15 दिन लग जाते हैं, आज सुबह ही आया है, तो मैं ये सर्टिफिकेट खुद लेकर आ गया सर। ये पापा का ही साइन है। What? कहीं वो अंकल की दूर के रिश्तेदार तो नहीं है यार? नहीं। या फिर मम्मी की साइड के? मम्मी पापा की शादी होने के बाद माँ के साइड से कोई हमें देखने भी नहीं आया। लेकिन किसी को भी बताए बिना राम अंकल से बात करनी होगी। राघव बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अब सिर्फ 2 ही फुट देख। भैरवी कौन है? कौन भैरवी? वही जिसके मरने के बाद पापा ने उसका अंत्य संस्कार किया था, वो भैरवी। राघव, अभी तुम घर पर जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं अंकल, मुझे जानना है। पापा ने हमसे भी ज्यादा आपके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं अंकल। प्लीज अंकल, बताइए। तुम्हारे पापा ने उस लड़की के बारे में कई बार मुझे बताया है। ज्यादातर मैं और वो ट्रेन में ही सफर करते थे। ट्रेन में? हाँ बेटा, पर वो चाहते थे कि इस बारे में तुम्हें पता ना चले, वरना तुम दुखी हो जाओगे। हाय रामू, अभी तक यहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा है, मुझे तो लगा तू चला गया होगा। व्हाट हैपेंड? तेरा बेटा तो तुझे नई कार दिलवाने वाला था ना? हाँ, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि नई कार आए तो मैं उसी से जाऊं। ए, मेरी पद्मिनी के बारे में तू अच्छी तरह जानता है, वो रुक रुक कर चलेगी लेकिन मुझे कभी नहीं रोकेगी। तुझे पता है 2 दिन पहले पेट्रोल पंप पर यू नो व्हाट हैपेंड? रुक गई? नहीं क्या? रोक दिया गया। सारे टायर्स की हवा चेक करो। ओके, ओपन। कौन? हाय हाय, मेरा नाम भैरवी है। अच्छा है। आप? मैं चंद्रमौली। हेलो। आपकी कार बहुत अच्छी है। क्यों, इसे पहले भी देखा है क्या? नहीं। तो क्या इसका कलर पसंद आ गया? हाँ। अच्छा, यू सी, मेरे पास जितनी भी पुरानी चीजें हैं मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूँ। मिस्टर चंद्रमौली जी, कुछ कहो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, अगर आप ये गाड़ी ऑनलाइन बेचने का प्लान बना रहे हैं तो मैं सोचूंगा भी नहीं। 20-25,000 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ। अगर मैं 1,00,000 रुपए दूँ तो आपको मंजूर होगा? तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है क्या? हाँ? ये मेरी गाड़ी है ना? हाँ? ये मेरी गाड़ी नहीं है। ओह। ओके। ओकी डोकी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। चल जा, चल, चल, चल पद्मिनी, नाक कटवाएगी क्या? मिस्टर चंद्रमौली। अब क्या हुआ? आपकी गाड़ी की एक फोटो ले लूं? ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। अब विथ योर परमिशन, क्या मैं जा सकता हूँ? फोटो भेजूं क्या? कैसे? व्हाट्सएप?
अच्छा मोबाइल में? दरअसल मेरे फोन में मुझे कुछ आता नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। मेरे पास जो भी है सब कुछ ले लेगी ये। ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या है? ये मेरा नंबर है, जब भी गाड़ी बेचने का ख्याल आए तो कॉल मी। क्यों क्यों क्यों? मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। अरे अरे, पर कैसे पता चला? वैसे आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। उसके ठीक चार दिन बाद उस लड़की ने तुम्हारे पापा को फोन किया। हेलो, यस मिस्टर चंद्रमौली, यस स्पीकिंग। हाय, मैं भैरवी। कौन? उस दिन पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी खरीदने के बारे में बात की थी। तेरे कार की कीमत 1,00,000 रुपए। यस 1,00,000। हाँ मिस्टर चंद्रमौली। कौन? अरे ये तो वही। ओके, कौन है बे? कौन है? हाय हाय, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रही? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ ट्रेन पकड़ने आया हूँ। पद्मिनी? पद्मिनी सर्विस स्टेशन में छोड़ा है। आपका सर्विस स्टेशन रेलवे स्टेशन का पार्किंग लॉट है? हाँ देख लिया। हाँ देख लिया। पद्मिनी की मर्जी हो तो चलती है, वरना यहाँ आकर रुक जाती है, फिर मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के ऑफिस चला जाता हूँ और यहीं से रिटायर। काफी पुरानी हो गई है ना? क्या कहा? मेरी पद्मिनी पुरानी हो गई? अच्छा बताइए आप इस उम्र में कितना चलती हैं? 10 किलोमीटर। मैं इस उम्र में 12 किलोमीटर चलता हूँ। पद्मिनी की थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए यहाँ तक ही आती है। मैं अभी ओके कहकर उसे यहीं पार्क कर देता हूँ, ज्यादा ट्रेन नहीं डालता हूँ। ट्रेन आ गई। क्या आ गई? ट्रेन आ गई। हाँ आ गई। ट्रेन आ गई। बाय बाय। सर बैंक से लोन चाहिए था, वो पिछली बार बताया था ना आपको। तुम्हारा नाम नीरव मोदी है क्या? कितनी बार बताऊँ सर, मेरा नाम स्वामीनाथन है। पता है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। ठीक है सर। तो बैंक में काम करते हैं आप? अरे ये क्या, आप छुप छुप कर मेरी बात भी सुन रही हैं? हाँ थोड़ी बहुत। हाँ मैं बैंक में काम करता हूँ, और तुम? मैं गरुड़ा कॉल टैक्सी में अकाउंटेंट हूँ। इससे पहले तो कभी तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा? पहले टीकम नगर में रहती थी। अच्छा? अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। आज मेरा जॉइनिंग डे है। वेरी गुड, बेचारे वो लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। हेलो, आप तक। हेलो, नाम सेव नहीं किया। ओ भैरवी, सामने देखो ना। कहाँ कहाँ? मिस्टर चंद्रमौली। अरे हाय, तुम वहाँ हो? सामने होकर फोन कर रही हो? मिस्टर चंद्रमौली, मेरे पीछे ब्लैक शर्ट पहने एक लड़का बैठा है। कहाँ है? कौन वो जो पीछे बैठा है? अपने बारे में क्या सोच रहा है? अपने बारे में? वो क्यों अपने बारे में सोचेगा, हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं ना। किस्मत वाले हैं, एक बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ मजे कर रहा है। कौन बूढ़ा? तुम। और छोटी बच्ची कौन? ऑफ कोर्स मी। सपने में? सपने में नहीं, सच में। किसे लगी है ये यंग बीमारी? ऐसी बात नहीं है क्या? कौन सी बात? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की को भगाने की नहीं सोचते हो? ऑफ कोर्स सोचता हूँ। हाँ? हाँ, मगर कोई मिलती ही नहीं। किसका फोन है? हाय राघव। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली पापा। दैट्स ओके डियर, दूसरी स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करेंगे। चीयर अप बेटा, आई विल सी यू एट होम। ओके, किसका कॉल था? राघव, उसे गो कैब्स के एमडी ने स्पॉन्सरशिप प्रॉमिस की थी, अब रिवर्स गियर डालकर कहता है नो स्पॉन्सरशिप। कोई बात नहीं, कहे तो मैं ट्राई करूं। किसके लिए? स्पॉन्सरशिप के लिए। हाँ स्पॉन्सरशिप, कल सुबह करुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर से उसकी व्हाट मीटिंग फिक्स करा देती हूँ, उसे भेज दीजिएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? मिल गई तो व्हाइट बालों को काला करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो ब्लैकमेल है। अच्छा ठीक है, पापा को फोन करो, वो खुश हो जाएंगे। घर चल के बताते हैं। नायन ड्रेस ओके? राघव को ये सब पसंद है क्या? नो पसंद नहीं है। व्हाट? कहा ना उसको पसंद नहीं है। कह रहा था इवनिंग में कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। यू वॉन्ट टू सी? हाँ। इट वॉज रियली अ ब्यूटीफुल पार्टी, बट थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू कि फॉर्मेलिटी छोड़कर तुम भी आ जाओ ना, अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कह सकते? अरे रे, वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इट्स वेरी इजी। हाउ? बोलिए, तुम आ जाओ। ओह ओके, तुम आ जाओ। हाँ? मत आओ।
शाम को एक छोटी सी पार्टी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या? आ सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं। पार्टी का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता, साथ खा भी सकते हैं। खा सकता हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। ऑल राइट, लेकिन कहाँ? हाय हाय, दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। पार्टी देकर स्पेशल गेस्ट बनाकर इनवाइट किया तो बर्थडे ना होने पर मैं गिफ्ट भी नहीं दे सकता क्या? ये तो है। वेरी फेयर। ये तो हम घर पे भी खा सकते थे, आपके घर पर। तुम्हारे घर? ओह सॉरी, तुम्हारे घर पर डिनर हम दोनों खा सकते थे। हाँ, पर डॉगीज डिस्टर्ब करते। ओह, तुम्हारे घर पे इतने डॉगीज हैं क्या? घर पर नहीं, फिर बाहर पास के घर में, पड़ोसी के घर पर। ओह, दोस डॉगीज, उन्हें भोंकना है तो भोंकने दो। आप दिखने में बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। रियली? इनफैक्ट आपकी गाड़ी खरीदने का रीजन भी वही था। पापा के पास भी वही मॉडल और सेम कलर की गाड़ी थी, इसलिए खरीदने का मन था। आपसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि आपका नेचर भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। ओके। अब मैं आपको पापा कहकर बुलाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। क्या हुआ? Nothing. तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? एक्चुअली 5 साल पहले हम लंच कर रहे थे, अचानक पापा को चेस्ट पेन हुआ। हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, He is no more. Life is so unpredictable. अचानक से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ? आप भी कुछ बोलिए ना। I'm glad you did. क्या? कैसे? तुम इतना पेन कैसे? ओके, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बैंगलोर जा पाया। ओह, तो फिर बिल आप ही भर दीजिए। स्पॉन्सर मिला मेरे बेटे को, मुझे नहीं मिला। लगता है बारिश आने वाली है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर ये सीट तो आपकी वाइफ की है ना? सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना मिस्टर चंद्रमौली? कम हियर। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ए परमिनी, फटाक से स्टार्ट हो जाना प्लीज। क्या हुआ? बारिश आने जैसा लग रहा है, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ तुम्हें। गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं ना? यही कह रहा था। बारिश आई क्यों नहीं? गाना सुन सकते हैं क्या? वो नहीं। क्यों? अरे नहीं, वो डब्बा है, प्लेयर नहीं है। ये सब कैसी है? ये हेयर पिन है, बाल को पीछे करके उसमें जो पिन लगाते हैं। यहाँ से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट। ओके, बाय। Bye. Good night. Good night. ध्यान से जाइएगा। कुछ तो मुझे होने लगा फिर तेरी बात से, दिल को मेरे तूने छुआ, हर मुलाकात में संग संग तेरे हमेशा, साया मेरा साथ हो है यही आरज़ू मेरी, हाथों में हाथ हो यही अरमान है। तुम्हारे बैंगलोर जाने के 4-5 दिन के बाद रात के यही कोई 10-10:30 बजे तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया। क्या यार, इस समय फोन कर रहा है मुझे? हे, क्या कह रहा है तू? सर, इन्हें मैं जानता हूं, मुझे जाने दीजिए सर। सर, चंद्रमाली, मुझे क्या हो गया? सर बताएंगे?
कि ये लड़की कौन है और ये हादसा कैसे हुआ? ये मर्डर केस है। जिसका खून हुआ है उसका नाम है भैरवी। ऑफिस के बाद जब ये घर जा रही थी तभी ये घटना हुई। हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है? जी, गो कैब के ड्राइवर को अरेस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। सर, गो कैब्स की गाड़ियों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप सच कह रही हैं। गो कैब से ट्रेवल करने वालों के साथ ये चौथी घटना है। इंक्वायरी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। पूछताछ चालू है, बहुत जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद भैरवी का अंतिम संस्कार तुम्हारे पापा ने ही किया। तेरी बहन का बेटा माधवन ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। उससे मिलना है। पर किस लिए? सब लोगों का मानना है कि भैरवी का खून उस ड्राइवर ने किया है। माधवन से मिलकर किसी सुपीरियर ऑफिसर को ये सारी सच्चाई मैं खुद बताना चाहता हूँ। इसीलिए हे, अब ये सब करने से क्या फायदा? सर यहाँ एक साइन दीजिए। उसके बाद मैंने अपने एसआई भांजे से बात की, फिर तुम्हारे पापा डिप्टी कमिश्नर से मिले। भैरवी के केस में दखलअंदाजी मत कीजिए। पर क्यों? बात क्या है? मामा मेरी बात को समझिए, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर्स ने जो मुझसे कहा है वही मैं आपसे कह रहा हूं। पर मैंने तुझे बताया ना, वो चंद्रमौली की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रमौली नहीं मानेगा। सब खत्म हो जाएगा। हे! मैं फोन पे यही सब बताने वाला था कि अचानक उस रात तुम लोग ड्राइव पे चले गए। उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तेरे पापा को मारने के लिए ऐसा किया गया था। कौन से पुलिस स्टेशन में मिलेगा? इस बारे में मुझे ही नहीं, मेरे किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछोगे तो उसका जवाब किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पास ले गया, लेकिन उनकी इस मीटिंग के बाद मुझे एक फोन आया और मुझसे कहा गया कि इसमें दखलअंदाजी मत करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। क्या ढूंढ रहे हो? कहो। एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की एफआईआर को किसी ने उसे करने के लिए बुलाया, इसलिए उसने किया। इसमें उसका एड्रेस है। कौन है? हाँ? कौन? आप लोग कौन है? जी, 20 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया, उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं 10 सालों से गाड़ी चला रहा हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं, मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। मैं मणि बोल रहा हूँ भाई। हाँ मणि बोलो। वो राघव अचानक मेरे घर पे आ गया था। कौन? चंद्रमौली का बेटा? हाँ भाई, मैं तो उसे देखते ही शौक हो गया, दिमाग की घंटी ही उड़ गई थी। हाँ फिर? रोने का नाटक करके बेवकूफ बना दिया। तुझ पे डाउट तो नहीं हुआ? अरे डाउट का सवाल ही नहीं। एक मिनट भाई, फोन भूल गए थे। हाँ
कर रहा था ना, हमने सब सुन लिया। चल फोन दे। तू क्या लफड़ा करना चाहता है? बोला ना दे। साले को छोड़ना मत। का खून उस ड्राइवर ने ही किया है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या आपको किसी पर शक है क्या? इससे पहले जो चार इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से पुलिस ने तीन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। तो अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इस सब के पीछे किसका हाथ है इस बात का हमें पता लग जाएगा। एक के बाद एक होने वाले इंसिडेंट्स को देखा जाए तो सब आपके खिलाफ जाते हैं। 10 दिन में ही इतने सारे। एक मिनट। कट कर दिया। ए राघव, ये न्यूज़ देखी क्या? एक आईपीएस ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या यार, वो पहले ही हजार लफड़े में फंसा हुआ है, तू भी ना यार। अरे लेकिन वो कैसे टेक्निकली चीटिंग कर रहा था वो सुन ले। ठीक है बताओ। केरला में सबीर करीम नाम के एक बंदे ने आईएएस एग्जाम में ब्लूटूथ कैमरा को उसके शर्ट की बटन में फिक्स किया और अपने क्वेश्चन पेपर को लाइव कैप्चर करके अपनी वाइफ को भेजा। वहाँ से वाइफ ने सारे आंसर्स बता दिए ब्लूटूथ के जरिए और इसके लिए माइक्रो हेडफोन का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करें? उस आईपीएस ऑफिसर की तरह हम तेरे शर्ट के बटन में भी कैमरा फिक्स कर देंगे और फिर ब्लूटूथ के जरिए इसका फोन और मेरा फोन कनेक्ट कर देंगे और कैमरा जो कुछ भी देख पाएगा उसे हम भी देख पाएंगे। 2 फुट के आगे जो कुछ भी तो नहीं देख पाएगा उसे हम तुझे दिखाएंगे। लेफ्ट,
कैमरा फिक्स करने वाली बात किसी को पता ना चले। विनायक। हेलो सर। राघव फोन किया था क्या? हाँ सर। सॉरी ऑफिस मीटिंग में थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं सर, अगर आप फ्री हैं तो सर मुझे आपसे मिलना है। तो फिर घर पे मिल सकते हैं। ओके सर। इस सब के पीछे कोई तो है सर, और उन लोगों का टारगेट आप ही हैं। अभी रिसेंटली जो भैरवी का खून हुआ था उस ड्राइवर को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वो खून ड्राइवर ने नहीं किया था ऐसा मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था। असली कातिलों को वहां से भगा दिया गया और किराए के लोगों को गिरफ्तार करा दिया। उनमें से किसी एक को बाहर निकाल के अगर पूछताछ करेंगे तो सच्चाई क्या है ये हम पता लगा सकते हैं सर। कोई चांस नहीं है, रेप अटेम्प्ट मर्डर अटेम्प्ट ऐसे वैसे उसके पास 7 सेक्शंस हैं, उसे बेल मिलना इम्पॉसिबल है। भैरवी इंसिडेंट से पहले एक्सीडेंट, रॉबरी और उस लड़की का मर्डर, ऐसे पूरे 3 केस बने हैं सर। रॉबरी करने वाले ड्राइवर खालिद को पुलिस नहीं पकड़ सकी। एक ड्राइवर जिसको बेल मिली है वो आपकी कंपनी में काम करता था ना सर। जो नशे में था उसे तो शायद बेल मिल गई, मैंने उसे बहुत पहले काम से निकाल दिया है। सर मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? सर जरा आप ये एड्रेस बताएंगे क्या? हाँ, विजय रावपुरम, सीधा जाके राइट मारेंगे, तीसरा लेफ्ट उधर उसके पास। थैंक्स। क्या कुमार ऐसा यहाँ कोई नहीं है सर? 27 साल से मैं यहाँ पर हूँ, इस नाम के किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा सर। सर हम SRM कॉलेज के छात्र हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं हम इन्हें नहीं जानते, मैं 3 साल से यहीं पर रहता हूँ सर। नकली आईडी दिखा के काम पाया था, एक बार मेरे हाथ लग जाए तो बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर कोर्ट का फैसला आने वाला है, पता नहीं क्या जजमेंट आएगा। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए, अगला कौन फंसने वाला है पता नहीं। अब दूसरा कोई फंसने से अच्छा अगर हम ही फंस जाए तो। मैं समझी नहीं। देखो अब तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? मुझे मिलाकर कुछ 50 होंगी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों? शहर में एक लड़की अकेले गो कैब से नाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत रखती है, तभी इस मसले का हल निकल सकता है और हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपके पास होने वाली 2-3 मिनट की हिम्मत ही हम लोगों की ताकत है, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप रिस्क उठाने को तैयार हैं? मैडम कैब आपने ही बुक की है क्या? हाँ जी। Thank you.
कर रहे हो तुम लोग? बोल, किसके लिए काम करते हो? बोल, कौन है वो? पुरुषोत्तम, गरुड़ा, गरुड़ा कॉल टैक्सी, उन्हीं के लिए काम करता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? क्या हुआ? सब खत्म हो गया भाई। सब खत्म हो गया मतलब? वो आ रहा है, रेडी रहे। 6 फुट के डिस्टेंस पे, अब 3 फुट। जब मैं अंकल की कार को ठीक कर रहा था तो आंटी का रखा हुआ सामान मुझे डिक्की में मिला, साथ में मुझे ये फोन भी रखा हुआ मिला। जब चेक किया तो पता चला कि ये भैरवी जी का है और उन्होंने अंकल से जो भी बात की वो इसमें रिकॉर्डेड है, तो खुद ही सुन ले। हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? नो वे। तुम कहां पर हो? आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पा। क्या हुआ? शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कर रहे हैं। अरे हाँ 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 हाँ, या या या, आई रिमेम्बर। पर ये सच नहीं है। इन सब के पीछे मेरे एमडी अलगर का असिस्टेंट पुरुषोत्तम है। What? मिस्टर पुरुषोत्तम के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से 3-4 लाख रुपए बिना मतलब के ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे गो कैब के उन ड्राइवर्स के अकाउंट में गए हैं जिन्होंने क्राइम किया है। वेट अ सेकंड भैरवी, मैं कुछ समझा नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने सीनियर के पास भी गई थी पर... भैरवी, क्या हुआ? किसी के भी अकाउंट से किसी को भी पैसा गया हो, इससे तुझे क्या? भैरवी, कौन है वहाँ, बताओ। पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कौन है वहाँ? ये मर्डर भी बेकार नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हो? कैब्स क्राइम में गिना जाएगा। चाबी, कार की चाबी। भैरवी, ओ गॉड, डैमिट। ऑटो, प्लीज स्टॉप। चलो जल्दी। चलो पीछे हटो, मुझे जाने दो। हट जा। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते, रुकिए। चलिए पीछे चलिए। नहीं, के बारे में अंकल ने हमें बताया क्यों नहीं? एल्गर के असिस्टेंट पुरुषोत्तम का बयान इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी एल्गर का असिस्टेंट हूँ। एल्गर मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के कहने पर इतने दिनों से गो कैब्स में इतने सारे क्राइम्स हुए क्योंकि विनायक उनका कॉम्पिटिटर था, ये उनको पसंद नहीं था और गो कैब्स को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ ड्राइवर्स हायर किए और उन्हीं ड्राइवरों से
अलगर ने सारे क्राइम्स करवाए। इस तरह अलगर का काम हो गया और गो कैप्स कंपनी बंद होने की हालत में आ गई। सारे क्राइम और गो कैप्स वाले ड्राइवर कर रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है यार। तो इसका जिम्मेदार केवल अलगर ही होगा। अभी अभी खबर आई है कि पुरुषोत्तम की बॉडी को पहाड़ी वाले मैदान से बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इंस्पेक्टर रवि छानबीन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का खून होते समय अलगर अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका सामना करेंगे। बिजनेस में मुझसे बदला लेने के चक्कर में जनता के साथ बहुत बुरा किया और अब जनता उससे बदला ले रही है। सच्चाई का पता ना चल जाए इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला। बहुत कमीना है अलगर। मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था सर, आपका मेरे पापा को मारने का दिल कैसे किया? मार दिया सर आपने। वो जिस कार से प्यार करते थे उसी में। क्या बोल रहे हो राघव? मैं भैरवी कैसे मारी सर, मैं बताऊं आपको? किसको पैसा गया इससे तुझे क्या? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कहानी करेक्ट है ना? तू एकदम सही बोल रहा है, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर वो किसी से बात कर रहा था तो तुझे अलगर पे शक करना चाहिए था, फिर मुझ पे क्यों किया? जब लॉरी ड्राइवर की मौत हुई थी उसके बाद उसकी बॉडी उल्टी लटक रही थी। मेरी आंखों को 2 फुट दिखाई देता है, लेकिन मिरर में मैंने तुझे क्रॉस करते हुए देखा, तभी मैं समझ गया तेरा मेरे पापा के खून से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस सबके पीछे कोई ना कोई है सर। उस दिन तू ड्राइवर का एड्रेस पूछने के लिए कार से नीचे उतरा था, तभी मैंने तेरे कार में कैमरा फिक्स कर दिया था। सर उसके बाद तूने जिस किसी से भी बात की वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। कल मदुराई कोर्ट में फैसला आने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। रात तक मामला सलटा के मुझे फोन कर। पता नहीं अगला कौन फंसने वाला है। उस दिन तूने जो प्लान किया वो हमने नाकामयाब कर दिया। वो ड्राइवर हमारे कब्जे में आ गया और पुरुषोत्तम फंसने ही वाला था कि बचने के लिए वो तेरी कार में जा बैठा, वो भी रिकॉर्ड हो गया। ज़्यादा देख नहीं सकता और हमें पकड़ने चला था। वो सिर्फ 2 फीट ही देख सकता है, ये तो सच है। फिर भी उड़ बहुत रहा है वो। गरुड़ा टैक्सी से गो कैब्स को ट्रांसफर होने वाले अकाउंट्स मैंने बिगाड़ दिए हैं। अब ड्राइवर पुलिस को अगर ये बयान दे दे कि इन घटनाओं के पीछे अलगर का हाथ है तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मेरा और आपका मकसद इसी से पूरा हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, उसके लिए दूसरा रास्ता है। क्या? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का मैं असिस्टेंट हूँ। तूने जो कहानी शुरू की थी उसे तो खुद ही खत्म करना चाहता था, इसलिए तूने पुरुषोत्तम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे फेसबुक पर तूने अपलोड करवा दिया। सब पोस्ट कर दिया, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना सर। उसके बाद जो हुआ वो सब तू भी जानता है। नहीं।
तो गया, उसके नाम पे एक और खून। मैंने बताया था ना, कॉर्पोरेट वार में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहां का यही इंसाफ है। ब्रिलियंट, नॉट बैड। अब क्या करना चाहते हो राघव? मैंने माँ को नहीं देखा, लेकिन वो कैसी होगी ये मैंने मेरे पापा से जाना था। मेरे पापा को तू लौटा सकता है? क्या पापा पापा लगा रखा है यार? पापा चाहिए? शिट। राघव उठ जा। राघव, तेरे पापा को मैंने ही मारा। मैंने ही मारा। राघव, मूव टू लेफ्ट, ब्लॉक। राघव उठ जा प्लीज। कम ऑन, कम ऑन, गेट अप। टेक्नोलॉजी। हेलो, कैन यू हियर मी? कौन है? तेरी आइडिया में क्या? उसी ने आइडिया दिया, वही होगी। सॉरी स्वीट हार्ट। तुझे दो ही फिट दिखाई देता है ना? इतनी सारी बातें जान गया, हाँ? पर तेरा बाप क्यों मरा पता है? और भी आने वाले कई साल ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी। सर, आपने इस अवार्ड को अगले साल जीतने की जो बात कह दी, इससे अलगर साहब को बहुत बुरा लगा। इसी वजह से उसने 10 ड्राइवरों को मेरी कंपनी में हायर करवाया और उनसे क्राइम करवाया ताकि मेरी कंपनी बंद हो जाए। इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा सर। तो फिर हम ऐसा करेंगे। सर, मेरी कंपनी में कंटिन्यूअस क्राइम्स होने चाहिए और इन क्राइम्स का जिम्मेदार अलगर है, यह सबको यकीन दिलाना होगा। कुल मिला के अलगर की कंपनी को बंद करवाना है। कुछ उल्टा तो नहीं होगा सर? देखो, ये कॉर्पोरेट की दुनिया है, यहाँ एक बर्बाद होगा तो ही दूसरा आबाद होगा। ताकतवर ही जीतेगा। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोच के जवाब दो। पुलिस के सपोर्ट से मेरा प्लान ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तेरे बाप ने इसे बिगाड़ना चाहा। भैरवी को मारने वाला कोई गो कैब का ड्राइवर नहीं था, पुरुषोत्तम था। अंकल, बात हो गई ना? विनायक। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहां ऐसा ही होता है। उस दिन तेरा बाप और आस्तू हाँ।
तूने छुट्टी मांगी थी ना, जा। सर अंदर कुछ हुआ है सर? देख मेरी बात सुन, ज्यादा वफादारी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा, अब जा। चिंता मत कर, दूसरा रास्ता है मेरे पास। विनायक को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करो। गो कैब कॉल टैक्सी में अभी तक जितने भी अपराध हुए हैं उनके पीछे कंपनी के मालिक विनायक का ही हाथ है। पुलिस ने इससे संबंधित सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिन्हें वो अदालत में जल्द ही। विनायक मेरी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पता चला है कि गरुड़ा कॉल टैक्सी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए प्लान किया गया था, और इस केस के अपराधी मिस्टर विनायक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ये सूचना हमें पुलिस विभाग से आधिकारिक रूप में मिली है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्या किया था विनायक के साथ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या करूं? लाइटली स्लाइटली थोड़ा प्यार से पीछे से पुश करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी। ओह, तो कार स्टार्ट करके कहां जा रहे हो तुम? हे राघव, तू फिर से खुश है, हंस खेल रहा है, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू लाइक दिस माय बॉय। जिंदगी में कई बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि परियों की कहानी में आने वाला कोई पक्षी हमें उठाकर अचानक उड़ने लगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अचानक से वो हमें नीचे गिरा देता है, फिर दर्द होता है, लगता है कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस हाल में भी जो उठता है वही होता है विनर, जैसे तुम हो। मैं जानता था तुम फिर से उठोगे। याद है बचपन में मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाता था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं बेटा। एक पल के लिए भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, हर दम तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मैं चलता रहूंगा। सच कहता हूं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया राघव, साये की तरह मैं हर दम तेरे साथ ही हूं। आई विल ऑलवेज बी विथ यू, आई विल नेवर लीव यू। I love you so much, my son. I love you, beta.